नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख खबरों पर। चोरी की योजना बनाते कुंड थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष ने पीसीसी चीफ से की मुलाकात। पुलिस प्रशासन के देखरेख में संपन्न हुई फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षाएं। जीएमसी के छात्रों ने मानसखंड झांकी का किया स्वागत। उत्तराखंड की झांकी मानसखंड कर रही सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन। 3 तलाक के आरोपी को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। दो पक्षों के बीच हुई मारपीट, 11 लोगों के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। अब खबरें विस्तार से। कुंडा थाना पुलिस ने गश्त के दौरान ग्राम बेलजुड़ी के मालधान रोड पर चोरी की योजना बना रहे 3 आरोपियों को एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस व 2 अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आज न्यायालय के समक्ष पेश किया है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। आज काशीपुर कांग्रेस के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने देहरादून में कांग्रेस भवन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा से मुलाकात की। इस दौरान नवनियुक्त कांग्रेस महानगर अध्यक्ष ने काशीपुर के कांग्रेस संगठन व आगामी पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराया। आज उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षाएं संपन्न हुई हैं। वहीं काशीपुर में भी इन्हीं परीक्षाओं का आयोजन किया गया था, जिनमें कई छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। इस दौरान सभी के चेहरों पर खासा खुशी देखने को मिली। वहीं परीक्षा को देखते हुए काशीपुर पुलिस प्रशासन ने भारी वाहनों को बॉर्डर पर ही रोक दिया था। जो हमारे जनपद में वन फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम चल रहा है, उसके रिगार्डिंग आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार पूरे जनपद में 7 सुबह 7 बजे से लेकर 1400 बजे तक भारी वाहनों की नो एंट्री कर दी गई है। जहाँ जहाँ जैसे काशीपुर हो गया, सितारगंज, खटीमा, रुद्रपुर, कोई भी हैवी ट्रैफिक नहीं चलेगा, उनको बॉर्डर में रोक दिया गया है ताकि किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी परेशानी न हो। सर देखा जा रहा है कि अगर जसपुर की तरफ से काफी भारी वाहन आ रहे हैं तो उसे कहाँ की तरफ को रूट डायवर्ट किया? पहले जसपुर से कोई भी हैवी वाहन तो हमने धर्मपुर और नादी बॉर्डर पे रोक दिया गया है। अगर उसके बाद भी अगर कोई आता बीच से तो हमने टोल बैरियर के बाद कुंडा थाने का पोस्ट लगाया गया है और उसके बाद परमानंदपुर पे हमने एक CPU की हॉग लगा दी गई है जो हैवी ट्रैफिक को रोक रहा है। उसके बाद गदरपुर में मोतियापुर और महतोस मोड़ पे रोका जा रहा है। मानसखंड झांकी उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्र काशीपुर पहुंची, जहां ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज की छात्राओं एवं शिक्षिकाओं द्वारा नारी एक शक्ति G20 के बैनर तले मानसखंड झांकी का भव्य स्वागत किया। मंत्री धामीकाल डोंगी के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने घोषणा करते हुए कहा कि उनके द्वारा केंद्र से मांग उठाई गई कि रामनगर और हल्द्वानी जो झांकी चली थी दिल्ली से और अभी ये उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों से निकलेगी और जिसका पूरा पूरा जो श्रेय है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को जाता है,
जिन्होंने देश भावना से ओतप्रोत यह निर्णय लिया है कि यह झांकी हर जनपद से गुजरेगी। आज हमारे बहुत सारे विद्यार्थी, हमारे शिक्षकगण और हम सभी लोगों ने इस झांकी का स्वागत किया और भारत किस तरह से, भारत निर्माण में, हमारे देश के निर्माण में किस तरह से बच्चों की भागीदारी हो, किस तरह से शिक्षकों की भागीदारी हो और किस तरह से एक कॉलेज अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है, इस भावना को आगे बढ़ाते हुए हम सभी ने इस देश प्रेम, इस देश भावना से ओतप्रोत कार्य में पार्टिसिपेट किया है और उम्मीद है यह झांकी सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के अंदर देशभक्ति की भावना को जबरदस्त तरीके से फैलाने का कार्य करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तराखंड मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा उत्तराखंड के कल्चर को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी के साथ ही युवाओं में भी उत्तराखंडी कल्चर को लेकर उत्साह बढ़ रहा है। और आज हमारे भी कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने उत्तराखंड राज्य की झांकी मानस खंड का स्वागत किया, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमारे राज्य के कल्चर को इतना प्रमोट किया। धन्यवाद। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड 2023 में प्रथम स्थान पर रही उत्तराखंड राज्य की झांकी मानसखंड का राज्य के समस्त जनपदों के मुख्य स्थानों में आम जनता के सम्मुख प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके चलते सर्वप्रथम मानसखंड झांकी उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्र काशीपुर पहुंची, जहाँ विधायक काशीपुर त्रिलोक सिंह चीमा द्वारा हरी झंडी दिखाकर मानसखंड को रवाना किया गया। इस मौके पर भाजपा विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक, एसडीएम अभय प्रताप सिंह, तहसीलदार यूसुफ अली, सीईओ वंदना वर्मा एवं अन्य लोग मौजूद रहे। भारत माता की जय। आपका फ़ोन आया कि झांकी काशीपुर पहुंच चुकी है। जो सरकार का मोटिव है कि हम लोग रिपब्लिक डे के ऊपर टीवी के ऊपर झांकी देखते हैं तो इतना क्लियर नहीं देख पाते हैं, एकदम झांकी आगे से निकल जाती है। तो ये पर्पस था गवर्नमेंट का कि झांकी को हर आदमी क्लोज पास से देख सके, और हमारी खुशकिस्मती है कि इस बार जो है हमारे प्रदेश की जो झांकी है नंबर वन पे आई है। और आप झांकी को देखेंगे तो इसमें हमारा एक कल्चर, हमारे राज्य का कल्चर, हमारे राज्य की वाइल्ड लाइफ, हमारे राज्य की नेचुरल ब्यूटी, हर चीज़ को बड़ी खूबसूरती से जिसने भी बनाया है उसको रिफ्लेक्ट किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी इसको देखेगा वो खुश होगा। ये तो बहुत जो मैं कहता हूँ लकी लोग होते हैं जिनको चांस मिलता है, मैं लकी आदमी हूँ।
काशीपुर कोतवाली पुलिस ने 3 तलाक के आरोपी को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। आपको बता दें कि मोहल्ला लिखा निवासी निशा ने बीती 20 नवंबर को बासफोड़ान चौकी पुलिस में तहरीर देकर बताया कि उसके पति मोहम्मद नाजिम ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। इसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दो पक्षों के बीच मारपीट के मामले में दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ग्राम जुड़का नंबर 2 निवासी अंजू ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बीती 1 अप्रैल को उसके पति विशाल को गांव का ही निवासी सचिन उसे बाइक पर बुलाकर ले गया तथा रास्ते में ही गांव के कुछ लोगों ने पंचायती भवन के पास बाइक रोककर उस पर जानलेवा हमला कर दिया था। अभी के लिए इतना ही। काशीपुर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।